एपिसोड 1 की शुरुआत में कैंपर्स अपनी बोट पर एंजॉय करते हैं क्योंकि फाइनली वे इसलिया न्यूबदार आइलैंड से निकल चुके थे। इस बीच उन्हें पता चलता है कि बोट पर एक कॉम्पी है, ये किसी वायर को ना काट दे इसलिए वे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसी बीच उनकी बोट कहीं फंस जाती है। ब्रुकलिन सोनार ठीक कर देती है जिसे यह पता चलता है कि बोट समुद्री घास में फंसी है। डेरियस उसे निकालने जाता है पर खुद वहीं फंस जाता है। साथ ही एक शार्क उसकी तरफ आने लगती है लेकिन अचानक शार्क को मोजोसॉरस खा जाती है जो अपने लगून से भाग निकली थी, जिसे हमने जुरासिक वर्ल्ड फॉलन किंगडम मूवी में देखा था। केंजी फटाफट डेरियस को बचा लेता है। मोजोसॉरस बोट पर हमला करती है और आखिरकार बर्बाद कर देती है। वे सभी कैंपर्स और कॉम्पी एक अनजान आइलैंड पर आ जाते हैं। कैंपर्स आइलैंड में मदद ढूंढने जाते हैं। डेजर्ट देखकर वे काफ़ी सरप्राइज होते हैं। बेन एक चमकीली चीज़ देखता है और बाकियों को वही जाने के लिए कहता है। कैंपर्स उसी तरफ जाने लगते हैं पर रास्ते में एक सैंड स्टॉर्म आ जाता है जिससे बचते हुए वे इवेंचुअली उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां एक प्लेटफॉर्म था। उसी के पास काफ़ी सारी हड्डियाँ भी थी। रात में उन्हें झाड़ियों की आवाज़ आती है जिसमें से एक स्माइलोडॉन सामने आ जाता है। बेन उसे अपने पीछे भगाता है पर आखिरकार फंस जाता है। बाकी कैंपर्स स्माइलोडॉन पर पत्थर मारते हैं और उसे भगा देते हैं। अगले दिन उन्हें एक मेटेलिक चीज़ मिलती है, साथ ही साथ एक सीक्रेट रास्ता। कैंपर्स उसी रास्ते चले जाते हैं और एक जंगल पहुंच जाते हैं। कॉम्पी अभी भी उनका पीछा कर रहा था। अचानक ज़मीन कांपती है और एक टीरेक्स सामने आता है। वे सभी उससे छिप जाते हैं और एक और टीरेक्स सामने आता है और वे दोनों खेलने लगते हैं। वहाँ एक औरत उन टीरेक्सेस को देख रही थी और वो कैंपर्स को देख लेती है। उसे ये कैंपर्स जासूस लगे। कैंपर्स उस औरत को अपनी सिचुएशन बताते हैं। वो औरत उन पर भरोसा करती है और ख़ुद को मे टर्नर बताती है। मे उन्हें बताती है कि इस आइलैंड में कोई भी कम्युनिकेशन ना ही आ सकता है और ना ही जा सकता है, इसलिए उसके पास कोई भी फ़ोन नहीं है। मे उन्हें अपनी जगह ले जाती है। कैंपर्स उस पर अभी भी भरोसा नहीं करते इसलिए कमरे की छानबीन करने लगते हैं और उन्हें पता लगता है कि ये मेंटाकॉप के साथ काम करती है। और इन्फॉर्मेशन और फ़ोन के लिए ब्रुकलिन, केंजी, बेन और रियाज बाहर जाते हैं। डेरिस और सैमी मे को रोकने के लिए वहीं रुक जाते हैं। बाहर उन्हें एक रोबोट डॉग दिखता है जो उस कॉम्पी को स्कैन करने के बाद मार डालता है। मे सही समय पर वहाँ आ जाती है जिससे वे बच जाते हैं। वो बताती है कि ये ब्रैट्स हैं जो आइलैंड की देखरेख करते हैं, पर उसे ये नहीं पता था कि अनजान जीव को देखने पर ये सीधा उन्हें मार डालते हैं। सैमी मे को पूरी कहानी बताती है कि मेंटाकॉप ने उसकी फैमिली को बहुत परेशान किया था। डेरियस, सैमी और मे टीरेक्सेस को खाना खाते हुए देखने जाते हैं। मे बतलाती है कि यहाँ के डायनासोर्स इसला सोना से लाए गए हैं। यहाँ एक टीरेक्स फीमेल टीरेक्स है जिसका नाम बिग इटी है और दूसरी उसकी बेटी लिटिल इटी है। खाते हुए वे दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं जिसे रोकने के लिए उन्हें बेहोश कर दिया जाता है। दूसरी तरफ एक ब्रैड मे के रूम में चला जाता है जो याज और बेन को ढूंढ लेता है, पर उसके हमला करने से पहले ही केंजी उसे ख़त्म कर देता है। सैमी को टीरेक्स के खाने में एक अजीब सी चीज़ मिलती है और शायद इसे खाने के बाद ही वे टीरेक्सेस लड़ने लगे। अब मे को सैमी की बातों पर यकीन हो रहा था कि मेंटाकॉप सही नहीं है। एपिसोड की शुरुआत में याज का एक नाइटमेयर दिखाया जाता है जिससे वो काफ़ी डर जाती है। मे को यह पता लग गया था कि मेंटाकॉप टीएक्स के खाने में ऐसे ड्रग्स मिला रहे थे जो उन्हें ज़्यादा अग्रेसिव बना रहा था। मे बताती है कि हर 2 हफ्ते में एक सप्लाई प्लेन आता है जिससे कैंपर्स निकल सकते हैं, पर अभी उसे आने में 10 दिन बाकी थे। डेरियस ये प्लान बनाता है कि वे टीएक्स के फीडिंग प्लेटफॉर्म को बिगाड़ देंगे जिससे सप्लाई प्लेन जल्दी आने पर मजबूर हो जाएंगे। दूसरे दिन वे टीरेक्स के खाने को हटाकर फीडिंग प्लेटफॉर्म डिसेबल कर देते हैं और उनका प्लान कामयाब होता है और प्लेन अगले 3 घंटे में आने वाला होता है। पर ब्रैड्स उनका पीछा करने लगते हैं। वो स्नो बायोम के रास्ते प्लेन की तरफ जाते हैं। उनके सामने एक कैंट्रोसॉरस आ जाता है जिसका नाम था पियर्स और यदि ये यहाँ ज़्यादा देर रहे तो मारा जाएगा। डेरियस इसे बचाने का प्लान बनाता है और वे पियर्स को अपने साथ ले लेते हैं। ब्रैड्स यहाँ भी उनका पीछा करते हैं पर वे सही समय पर पहुँच जाते हैं।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली वह प्लेन उनसे छूट जाता है, जिससे याज बहुत दुखी होती है और वो अंदर से बुरी तरह से टूट जाती है। डेरियस अब मे की मदद करना चाहता है, पर सैमी को पता था कि याज पहले से ही काफ़ी दुखी है, इसलिए वह और याज आराम करने चले जाते हैं। सैमी याज का मन हल्का करती है और उसे सोने में मदद करती है। केंजी और ब्रुकलिन रेक्स के खाने से ड्रग्स को हटा देते हैं। बिग एटी कुछ खाना अपनी बेटी के लिए ले जाती है, जो फाइट के बाद कुछ ज़्यादा ही घायल थी। एक ब्रेड सैमी और रियाज वाले कमरे में आ गया था और उसके साथ कैश था, जो मे का बॉस होता है। सैमी और रियाज उनसे छिपते हैं और सैमी ये पहचान जाती है कि कैश ही वो व्यक्ति था जो उसकी फैमिली को ब्लैकमेल करता था। कैश को मे की रिसर्च नोटबुक मिल जाती है। मे कैश के बुलाने पर चली जाती है, जो डेरियस और बेन के साथ पियर्स को डेजर्ट बायोम में छोड़ने आई थी। सैमी गुस्से में कैश के पास अकेले ही जाने लगती है। मे कैश से मिलने आती है, जहां एक रैप्टर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर एक ड्रोन के इनविजिबल फेंस की मदद से नहीं कर पाता। सैमी को याज और बाकी सभी रोक देते हैं। कैश मे की रिसर्च का इस्तेमाल अपने किसी प्लान के लिए करना चाहता था, पर मे इसे अलाउ नहीं करती, जिससे वह ब्रैट्स को उसके अगेंस्ट कर देता है। मे ब्रैट्स से भागने लगती है। कैंपर्स उसकी मदद करते हैं, पर अचानक रैप्टर्स मे पर हमला कर देते हैं और कैंपर्स को घेर लेते हैं। सैमी ब्रैट के हथियार से रैप्टर्स को भगा देती है। हमले से मे काफ़ी जख्मी हो जाती है। कैश फ़ोन पर किसी से बात करता है और बेन कैश के हाथ में फ़ोन देख लेता है। बेन बाकियों को बता देता है कि कैश के पास फ़ोन है। मे की हालत ख़राब हो रही थी, इसलिए बेन स्नो ग्लाइडर में से फर्स्ट एड किट लाने जाता है। ब्रुकलिन और याज एक ब्रैड का पीछा करते हैं ताकि वे कैश का फ़ोन लेकर मदद बुला सकें। ड्रोन्स बिग एटी को किसी जगह ले जाने लगते हैं। ब्रुकलिन और याज कैश का फ़ोन नहीं ले पाते। पियर्स को भी ड्रोन्स कहीं ले जा रहे थे। फिर हमें पता चलता है कि कैश इन दोनों को लड़वाना चाहता है। डेरियस से प्लान बनाता है कि वो और याज इस फाइट को रोकेंगे और बाकी कैश का ध्यान खींचने की कोशिश करेंगे, पर याज के नाइटमेयर्स को जानने के बाद डेरियस अकेला चले जाता है। बेन सैमी और याज ब्रैड्स के एक गराज को उड़ा देते हैं, जिससे कैश को वहीं जाना पड़ता है। डेरियस रैप्टर से बचते हुए बिल्डिंग तक पहुँचता है और फाइट को कुछ देर के लिए रोक देता है, पर एक ब्रैड से कैश का फ़ोन छीनने में व्यस्त हो जाता है और आखिरकार उसे फ़ोन मिल जाता है। वो फटाफट कॉल करता है, पर उसी समय कैश उसे पकड़ लेता है। लेकिन डेरियस के भाई ने उसकी आवाज़ सुन ली थी और उसे पता लग गया था कि उसका भाई अभी भी ज़िंदा है। डेरियस कैश को समझाता है कि वह जुरासिक वर्ल्ड इस्ला नुब्लार से आया है। वह उसे एक झूठी कहानी बताता है कि वह और उसके पिता फंस गए थे। उसके पिता बच नहीं पाए, पर वह तैरते तैरते यहाँ तक पहुँचा। कैश अभी भी उस पर शक कर रहा था, पर डेरियस उसे भरोसा दिलाने की पूरी कोशिश करता है। टीरेक्स और कैंट्रोसॉरस एक बार फिर से फाइट करने लगते हैं। डेरियस ये नाटक करता है कि वह इसे बहुत इंजॉय कर रहा है। बाकी कैंपर्स ड्रोन्स को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। बिग एटी पियर्स को मारने वाली होती है, तभी ड्रोन उसे रोक देते हैं, क्योंकि कैश के अनुसार डायनासोर्स काफ़ी महंगे हैं। कैश रेक्स को मेडबे ले जाता है, जो अंडरग्राउंड था। मे कैंपस को बतलाती है कि फीडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए वे अंडरग्राउंड जा सकते हैं और नेक्स्ट फीडिंग डेजर्ट बायो में होगी। डेरियस बिग एटी के शरीर से पियर्स का एक स्पाइक बाहर निकाल देता है, जिससे बिग एटी को काफ़ी आराम मिलता है। कैश एसेट 87 को डेजर्ट बायो में भेज देता है, जहां अभी कैंपर्स थे। उनके सामने स्पाइनोसॉरस आ जाता है और उन्हें भगाने लगता है। वे उसे बच जाते हैं, पर स्माइलोडॉन उनके सामने आ जाता है। स्पाइनोसॉरस एक्सीडेंटली स्माइलोडॉन को पकड़कर मार डालता है और कैंपर्स को भागने का मौका मिलता है। वे फीडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए अंडरग्राउंड चले जाते हैं। डेरियस कैश के बॉस की बुराई करके उसका भरोसा जीतने की कोशिश करता है। ब्रैड से चिप से भरा बॉक्स गिर जाता है। डेरियस उसमें से एक चिप अपने पास रख लेता है। कैश बताता है कि वह मे की रिसर्च का इस्तेमाल डायनासोर के माइंड को कंट्रोल करने के लिए करेगा। कैंपर से मिलने के लिए डेरियस अचानक एलिवेटर के बाहर आ जाता है। वह यही प्लान बनाता है कि वह कैश के साथ ही रहेगा और इन्फॉर्मेशन देगा। कैश के आने पर डेरियस उसे बताता है कि वह गिरी हुई चिप को उठाने के लिए अचानक उतरा था। डेरियस के भाई को निकलते हुए दिखाया जाता है, जो डेरियस को वापस लेने आ रहा था।
कैश को कॉल पर पता चलता है कि 6 दिनों में इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, जिससे वह काफ़ी गुस्सा होता है। डेरियस इसे सुन लेता है। वह बाहर कैंपर से मिलने जाता है, पर कैश वहाँ आ जाता है अपने एक नए रोबोट ब्रैड एक्स के साथ, जो अब डेरियस पर नज़र रखेगा और हमेशा उसके साथ रहेगा। ये ब्रैड पिछले ब्रैड से काफ़ी ताकतवर है। कैंपर्स ये प्लान बनाते हैं कि वे ब्रैड एक्स को हैक करने की कोशिश करेंगे, और इसके लिए वे ब्रुकलिन को फोर्स करते हैं। वे एक ब्रैड एक्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, पर उसे कुछ नहीं होता। उसका पीछा करते हुए वे ब्रैड एक्स की फैक्ट्री तक पहुँचते हैं। ब्रुकलिन उसे हैक करने की कोशिश करती है। कैश डेरियस को स्पाइनस हाउस के अंदर कंट्रोलिंग चिप डालने के लिए कहता है, और यदि वह काम नहीं कर पाया तो ब्रैड एक्स उसे छोड़ेगा नहीं। ब्रुकलिन ब्रैड एक्स को हैक नहीं कर पाती, पर उसे एक आइडिया आता है कि वह शायद ब्रैड को हैक कर सकती है, और उसे हैक करने के बाद वह ब्रैड एक्स को कंट्रोल कर सकती है। डेरियस स्पाइनोसॉरस तक पहुंच जाता है, पर स्पाइनोसॉरस डेरियस को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। इवेंचुअली डेरियस ओल्ड ब्रैड की स्लीपिंग गैस का इस्तेमाल करके स्पाइनोसॉरस को बेहोश कर देता है। वह स्पाइनो में चिप डालने वाला होता है, तभी ब्रैड एक्स उसे रोक देता है, जो ब्रुकलिन थी। अब ब्रैड एक्स का कंट्रोल कैंपर्स के हाथ में था। वो स्पाइनोसॉरस के अंदर चिप नहीं डालता। स्पाइनो के साथ दूसरे 2 टेस्ट सब्जेक्ट्स पर ये चिप काम नहीं करता, इसलिए अब कैश इस चिप का इस्तेमाल बेबी डायनासोर के अंदर करने के बारे सोचता है। कैंपर्स ब्रैड एक्स के जरिए डेरियस तक पहुंचते हैं और मिड बे के लिए जाते हैं, जहां बेबी डायनासोर को रखा गया था। डेरियस कैश को गेम के लिए चैलेंज करता है, उसका ध्यान खींचने के लिए। बेबी टेस्ट सब्जेक्ट्स के लिए 2 हाइब्रिड्स और 1 बेबी ब्रोकोसॉरस को रखा गया था। ये हाइब्रिड्स बने थे स्पाइनोसॉरस और सीनोसेराटॉप्स से मिलके, और सीनोसेराटॉप्स का सैंपल वही सैंपल था जो सैमी ने सीजन 1 में भेजा था। इससे सैमी काफ़ी दुखी होती है और इसका नाम एंजल रखती है। बेन बेबी ब्रोकोसॉरस को संभालता है। केंजी और ब्रुकलिन दूसरे सीनोसेराटॉप्स हाइब्रिड को संभालते हैं। वे इन्हें बाहर निकालते हैं, पर खेलते वक्त गलती से फ्यूज तोड़ देते हैं, जिससे एक सेराटोसॉरस बाहर आ जाता है। कैंपर्स बेबी डायनासोर को बचाते हुए अलग हो जाते हैं। कैश और डेरियस भी मिडवे तक पहुंचते हैं, जहां वे सही समय पर सेराटोसॉरस से बचते हैं। सैमी, याज, बेन, ब्रोकोसॉरस और एंजल जंगल बायोम में थे। केंजी, ब्रुकलिन और दूसरे हाइब्रिड, जिसका नाम रेबल रखा गया, स्नो बायोम में थे। कैश ब्रैड एक्स को उन बेबी डायनासोर को ढूंढने का ऑर्डर देता है। एक ब्रैड एक्स बेबी ब्रोकोसॉरस को ढूंढ लेता है और उसे पकड़ लेता है। कैश उसके अंदर कंट्रोलिंग चिप डाल देता है, जिसे वह कैश के कमांड पर रुक जाता है, पर रुकने के अलावा वह और कुछ नहीं कर पाता। कैंपर्स कैश को अपने जाल में फंसाने के लिए बेबी हाइब्रिड का इस्तेमाल करते हैं। कैश सच में उसके पीछे जाने लगता है, पर अचानक ट्रायनोडॉन्स हमला कर देते हैं। ब्रुकलिन और केंजी बताते हैं कि वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। फाइनली बेबी हाइब्रिड की मदद से कैंपर्स कैश को मे के कमरे में बंद कर देते हैं और बेबी ब्रोकोसॉरस को आज़ाद कर देते हैं। बेन इसका नाम फायर करके रखता है। दोनों हैबिट्स काफ़ी थकने लग गए थे, यानी ये जंगल बायोम इनके लिए नहीं था। ब्रुकलिन, याज और सैमी उन्हें डेजर्ट बायोम ले जाते हैं, क्योंकि वही स्पाइनोसॉरस था और इनके अंदर स्पाइनोसॉरस का डीएनए था, इसलिए उन्हें लगा कि डेजर्ट बायोम इनके लिए सुटेबल होगा, पर यह भी इनके लिए नहीं था। डेरिस और केंजी को पता लगता है कि कैश भाग गया है और वे उसे ढूंढने लगते हैं। मे ब्रोकोसॉरस से चिप निकाल देती है। डेरियस को कैश मिल जाता है, जो अपने बॉस के साथ था, और वे कैंटोसॉरस को एक नए बायोम में रखे डायनासोर के हाथों मरवाने के बारे बात कर रहे थे। स्नो बायोम ही उन हैबिट्स के लिए सही था। याज, ब्रुकलिन और सैमी हैबिट्स को स्नो बायोम ले जाते हैं। वापस आते हुए उन्हें ब्रैड एक्स कैंटोसॉरस के बारे बताता है कि वह खतरे में है। उन्हें लगता है कि ये ब्रैड एक्स डेरियस ने भेजा है। केंजी और डेरियस उस नए बायोम जाते हैं, जहां डायलोफोसॉरस रखे गए थे। वे उनका पीछा करते हैं, पर सही समय पर याज और बाकी सभी स्नो ग्लाइडर की मदद से उन्हें बचा लेते हैं। इवेंचुअली डायलोफोसॉरस भाग जाते हैं। उन्हें पता लगता है कि डेरियस ने ब्रैड एक्स नहीं भेजा था, और ये कैश की चाल थी। रोबोट्स उन्हें घेरने लगते हैं, तभी मेंटोकॉप का हेड सामने आता है, जो और कोई नहीं केंजी के फादर थे। जुरासिक वर्ल्ड कैंप क्रिटिसिस सीजन 4 यही खत्म हो जाता है। तो ये था जुरासिक वर्ल्ड कैंप क्रिटिसिस सीजन 4। डिस्क्रिप्शन में इस सीज़न का रिव्यू भी मौजूद है। तो बस आज के लिए इतना ही।
तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आप भी फैंस हैं डायनासोर से गॉडज़िला के, तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले नए वीडियो के साथ।